हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भिन्न का अगला टॉपिक है ना। ठीक है, अभी तक हम लोग भिन्न में साधारण भिन्न को दशमलव में है ना, दशमलव को या फिर उसका गुणा भाग का भाग है ना। ठीक है, मॉडल मास ये सब पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा, ठीक है, और दशमलव को भिन्नों में बदलना। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहला टॉपिक। ठीक है, 0.1234 ठीक है, ये हो गया। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें बार भी है और विदाउट बार अगर भी है तो इसको सॉल्व करते हैं। जो संख्या दी है वो क्योंकि माइनस जिसमें बार नहीं है वो संख्या, अब कितने में बार है, दो अंक में बार है, दो बार नौ। ठीक है, और कितने में बार नहीं है, दो संख्या में बार नहीं है, तो दो बार तीन। ठीक है, तो 1234 में 12 बटा देखिए कितना है, 12 22 0। ठीक है, इसको दो से बार दो, दो छे का 12, दो एक दो, दो एक दो, दो चौक 8, दो ही 18, दो पंचे 10 0। ठीक है, इस दो से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, बटे 495। ठीक है, ये था हमारा दशमलव को भिन्नों में बदलना। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है,
समझा होगा जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है प्लस ठीक है, अब इसको जोड़ना है बता सकते हो तो जोड़ कैसे कैसे होता है, जैसे 22 समझा ठीक है, तो दशमलव के बाद कितना है एक अंक, तो दशमलव के बाद एक वाले अंक के साथ है ठीक है, उसके बाद कितना है दो अंक, ये दो तीन और लास्ट वाला अंक नहीं है मतलब शून्य है ठीक है, अब जोड़ना शुरू करते हैं, पांच सात तीन दस का शून्य एक कैरी हासिल ठीक है, पांच चार नौ वाले दस, दस का फिर शून्य एक कैरी इधर ठीक है, अब दस दशमलव का दशमलव दो दो चार वाले पांच ठीक है, और ये दो, तो इसका आंसर कितना है 25.005 ठीक है, ये हमारा आंसर है ठीक। इसी में एक और क्वेश्चन, कैसे कहते हैं 95.555 माइनस 63.02 कुछ नहीं है मतलब जीरो है ठीक है, पांच में शून्य गया पांच, पांच में दो गया तीन ठीक है, पांच में शून्य गया पांच ठीक है, फिर पांच में तीन गया दो, छह में सॉरी नौ में छह गया तीन दशमलव कितने बार है एक दो तीन, मैक्सिमम हम दशमलव वाले अंक को काउंट कर रहे हैं ठीक है, हमारा उत्तर क्या है 32.535 ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
चार
एक का गुणा तीन से तीन, ठीक है हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, एक शून्य चार गुणा चार, फिर सात तीन दस, सात सत्रह का सात राशि एक, ठीक है। फिर तीन और एक चार, छह दस और एक ग्यारह का एक राशि एक, ठीक है। फिर नौ पांच चौदह और एक पंद्रह का पांच राशि एक, ठीक है। फिर छह सात, सात चार ग्यारह और एक बारह का दो राशि एक, तीन और एक चार, ठीक है। अब दशमलव कितने अनुपात लग रहे, इधर एक दो तीन अनुपात, इधर दो अनुपात, तीन और दो कितना हुआ पांच, तो पांच अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, एक दो तीन चार ये पांच, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 42.51741, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, अगला आगे की क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है।